स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपने लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप बनाने के लिए हम पार्टनरशिप डीड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है। देखो, सोसाइटी से तो समझ में आ रहा है जो किससे रिलेटेड है, हम सोशल से रिलेटेड है। मीन्स कहने का कि जो सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेट करके कुछ बनाते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह, मान के चलिए हम कहीं रहते हैं किसी एरिया में, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमारी सोसाइटी हो जाती है, आसपास रहने वाले लोग। तो वो जब मिलकर आपस में विलिंगली, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कोऑपरेशन क्या होता है, विलिंगली, जब हम अपनी मर्जी से, ठीक है, तो जब हम अपनी मर्जी से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। देखो, वॉलेंटरी का मतलब क्या हो गया कि अपनी इच्छा से, ठीक है, ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि किससे रिलेटेड हो गया, मनी से, और वेलफेयर ऑफ द मेंबर, लोगों की भलाई के लिए, जो मेंबर्स हो उनमें, जो उन्होंने ज्वाइन किया है इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसके लिए करते हैं। द एम ऑफ कोऑपरेटिव इज़ नॉट अर्न प्रॉफिट। देखो, इसका मेन एम ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, बट सर्विस ऑफ द मेंबर, क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है मेंबर्स को। कौन से मेंबर, जिन्होंने इसको बनाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज़ फॉलोड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ईच फॉर ऑल का मतलब क्या है, हर कोई पर्सन है सबके लिए, हर पर्सन, जो भी एक पर्सन है वो सबके लिए है, और जो सब कुछ है वो हर एक पर्सन के लिए। कहने का मतलब ये, तो मान लो किसी को लोन चाहिए तो सारे मिलकर उसको लोन दे देते हैं, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह पे भी करनी है या कुछ भी है तो क्या करेंगे, ये सब मिलकर सब कुछ करते होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात नहीं है कि मेरा या तेरा, नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रूल फॉलो करके चलता है, कौन से वाला, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सब एक के लिए और एक सब के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर वॉलेंट्री एसोसिएशन स्टार्टेड विद द एम ऑफ सर्विस टू मेंबर। इनके बारे में मैं आप बता चुकी हूँ। जो मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं इसमें, वो कम से कम 10 चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं, 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस सोसाइटी इज़ कंपल्सरी एंड कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो इस जो सोसाइटी है आपकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बोला गया है, जो कैपिटल आती है वो कहाँ से आती है, मेंबर्स जो होते हैं वो कैपिटल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेयर कैपिटल, कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना लगाया हुआ है। द सोसाइटीज कैन ऑल्सो रेज लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से भी अगर उसको फंड चाहिए तो ये ले सकती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उन सब की बात हो रही है। अब इसके हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना है, किसके, जो भी वहाँ पे पर्सन उसके साथ ज्वाइन किया, जो उसके मेंबर हैं उनके। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्स्ट, वॉलेंट्री मेंबरशिप। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वॉलेंट्री पर्सन आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, कि हाँ हमें क्या बनानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं, 10। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंट्री, एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है और जिसका इंटरेस्ट सेम है, जो बाकी मेंबर्स का इंटरेस्ट है, तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। एवरी वन इज़ अ लिबर्टी टू ज्वाइन और लीव द सोसाइटी एज एंड वैन ही लाइक। तो जब चाहे वो ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे वो उस सोसाइटी को छोड़ सकता है। ठीक है, नो बडी इज़ फोर्स टू ज्वाइन और लीव द सोसाइटी। तो कोई कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने ज्वाइन कर ली तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और इसके बाद उसने बोला है कि कोई रिलीजन के ऊपर, किसी कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, किसी चीज़ के भी ऊपर इसमें क्या नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, लीगल स्टेटस, अभी हमने पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका क्या होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो जब किसी फर्म का या किसी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो, अगर इसका क्या कर देंगे, अगर हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो इसकी क्या बनेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, खुद का एक लीगल स्टेटस हो जाएगा। ठीक है,
लीगल स्टेटस का मतलब होता है जो भी आप कानून के तहत लीगली अगर आप किसी को नाम दे रहे हो, किसी सोसाइटी को मान के चले कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने कोई स्टार्ट किया है, अगर आप उसको लीगल फ्रेमवर्क देना चाहते हो, कोई काम देना चाहते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लीगल स्टेटस। ठीक है, यानी कि किसके बेस पे बनी है, वो कानून के बेस पे बनी है, कानून ही उसे बनाएगा और कानून ही उसे ख़त्म करेगा। ठीक है, इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी गिव इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो किसी एक पर्सन के नाम से नहीं चलेगी, जैसे पार्टनरशिप चलती होती है ना पर्सन के नाम पे कि दो पर्सन है, नहीं हुआ तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, ये डिफरेंट होती है मेंबर्स से। ठीक है, मेंबर्स अलग होते हैं और ये एंटिटी अलग होती है। ड्यू टू दिस रीज़न द ज्वाइनिंग और लीविंग ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। हम बात कर चुके हैं कि पर्सन के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पे रहो, चाहे तो छोड़ भी सकते हो। किस वजह से, इसी वजह से है क्योंकि उसका खुद का एक नाम होता है। इट कैन ऑल्सो स्यू और बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम। स्यू मतलब इसके ऊपर केस किया जा सकता है कोर्ट में, इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है और ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो मेंबर लगा रहे हैं जितना पैसा वही उनकी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, सो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय देम। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप की तरह कि आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कल को नुकसान हो गया तो आपकी पर्सनल एसेट यूज़ की जाएगी। नो, सर्विस मोटिव, इसका मेन एम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस to their members, the aim is not to earn profit as is the case of all other forms of organization. बाकी organization का aim क्या होता है, पैसा कमाना, but इसमें इतना नहीं है कि आपको profit earn करना है, but क्या करना है, welfare of the members. So the service of member is the fundamental objective of cooperative society. ठीक है, earn तो करती है अगर मान के चले profit, but इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना earn करती है ताकि वो अपने administrative expenses को complete कर सके। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा है कंट्रोल। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है, तो जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है उनको ही इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये एक एक्ट के अंडर बनी होती है, उसका नाम है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो जो भी अगर काम ये करेगी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग करेगी। कौन सा एक्ट है, इंडियन कोऑपरेट सोसाइटी एक्ट। अब हम इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है इक्वालिटी इन वॉल्टिंग स्टेटस। देखो इक्वालिटी का कहने का मतलब क्या है, कहना ये चाहता है कि जो मैनेजमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो उसके मेंबर्स ही खुद ही चुनते होते हैं। ठीक है, यानी कि मान के चलो कौन चलाएगा इसको, कैसे चलाएंगे, तो ये सारे क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो बैठ के इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंग देम सेल्फ। ठीक है, कौन चलाएगा उनमें से मेंबर्स, वो क्या कहते हैं, वोटिंग वगैरह कर लेते हैं कि हाँ भाई किसको चलाना चाहिए, और जो एक डिसीजन पे आ जाते हैं उसके बाद वही मेंबर्स उनको चलाते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स आर गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। ये नहीं सोचना उसने कम दिए तो उसको वोटिंग राइट्स, ने उसने ज़्यादा दिया तो उसको ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। एवरी मेंबर हैज़ इक्वल से इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो भी क्या होगा, आप सबके ही जो वोटिंग राइट्स है वो इक्वल रखे जाएंगे। देन है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो लाइबिलिटी होती है कोऑपरेटिव मेंबर्स की वो अप टू हिज और अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कहाँ तक होती है, जहाँ तक उन्होंने अपनी कैपिटल दी है। अगर कल को लॉस होता है तो पर्सनल एसेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देन है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, देखो हमने अभी पढ़ा था कि इसके फीचर्स में ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कोई भी मेंबर आ रहा है, कोई मेंबर जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, वो जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो किसी के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, या कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसी ही चलती रहेगी। ठीक है, देन इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आप चीप की बात करते हैं कि सेविंग हो रही है हमारी, या फिर हम बोलें कितनी खर्चीली नहीं है ये, इसका जो ऑपरेशंस हैं, काम जो उसमें होते हैं। सो द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द हैंड ऑफ द पर्सन इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। सम पर्सन आर एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर डे टू डे वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। मेंबर टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, सो द सोसाइटी नीड नॉट स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑन मैनेजमेंट पर्सोनल। क्योंकि उसके खुद के मेंबर ही सब कुछ चुन लेते हैं, वो मेंबर्स जो होते हैं वही अपने इलेक्ट करते हैं कि कौन इसको चलाएगा, कैसे चलाएगा, है ना। तो और जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें पूरा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि उन्हीं का जो सोसाइटी बनाई है उन्होंने खुद नहीं बनाई है। तो इसके ऊपर जो पर्सोनल मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा कम होता है, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं
वो वही होते हैं मेंबर्स जो जिन्होंने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फिर आती है बात सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी मैं हमने बात की थी कि अदर रिसोर्सेज से फ़ंड रेज करते हैं, तो उसमें अदर रिसोर्सेज में कौन आ जाता है, गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट से भी इनको पैसा मिलता है। कॉपरेटिव एग्जाम्पलीफाई द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, गवर्नमेंट हेल्प सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट रेट, टैक्स कंसेशन, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन और सम अदर एक्सपेंसेस। बता रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, उसमें छूट मिल जाती है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स कंसेशन मिल जाती है, अगर टैक्स पे करना है तो कम पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, तो इससे क्या होता है प्रॉपर उसको एक तरह से बोला जाए सपोर्ट मिल जाता है, किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके बाद आता है ईज इन फॉर्मेशन, देखो मैंने बताया था कि किसके एक्ट के अंदर बनता है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। तो बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो तैयार है। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड बाय मिनिमम मेंबर ऑफ 10, देयर आर अ मिनिमम नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और कौन से एक्ट के अंडर आता है ये हमारा, ये आता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लिमिटेशंस भी होगी। तो फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे है कि जितने मेंबर आएंगे वही कैपिटल लगा सकते हैं, हम बाहर से तो किसी से कैपिटल नहीं मंगा सकते। हाँ हम फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट से, बट उसके बदले हमें इंटरेस्ट वगैरह पे करना है या फिर कुछ भी है, तो ये हमारी खुद की कैपिटल तो नहीं है, रिसोर्सेज तो नहीं है। अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं गवर्नमेंट से तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने मेंबर होते हैं बस वो ही इसमें रिसोर्सेज कैपिटल लगाते हैं, तो ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम इसमें बाहर से कैपिटल नहीं ले सकते। जैसे बाकी अदर कंपनीज़ में क्या होता है कि हम अपने शेयर्स बेच देते हैं, डिबेंचर बेच देते हैं, पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर स्टार्टेड बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द शेयर्स आर जनरली ऑफ लोअर डिनोमिनेशन सो दैट मोर एंड मोर पर्सन में एसोसिएट विद दिस सोसाइटीज, द रिसोर्सेज ऑफ मेंबर्स आर नॉट इनफ टू स्टार्ट अ लार्ज स्केल एंटरप्राइज। तो हम कोई लार्ज स्केल एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हम इससे लार्ज स्केल एंटरप्राइज स्टेबलाइज नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, देखो बताया है कि जो मैनेजमेंट होती है हमने भी पढ़ा था किसके हैंड में होती है, ये मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के हाथ में होती है, तो कोई स्पेशलिस्ट तो होता नहीं है, वही मेंबर होते हैं और वही क्या करते हैं मैनेज करते हैं। सो द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी इज़ इन द हैंड ऑफ मेंबर्स, द मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, ठीक है ना। एक तो होता है कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन जो है वो मैनेज कर रहा हो, एक होता है वही मेंबर मैनेज कर रहा हो, तो फ़र्क तो होता ही है, ठीक है। सो दिस सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड एम्प्लॉय प्रोफेशनल बिकॉज ऑफ हायर सैलरी, ठीक है। तो फिर द मैनेजमेंट ऑफ दिस सोसाइटी इज स्लो एंड इनएफिशिएंट, क्योंकि जितने मेंबर्स जो इतना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने वो अपने कर सकते हैं उतना ही करेंगे, प्रोफेशनली तो क्वालिफाइड होते नहीं है। फिर बात आती है लैक ऑफ सीक्रेसी, देखो इसमें सीक्रेसी तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि मेंबर्स है, सारे डिसीजन वही लेंगे। द मैनेजमेंट पॉलिसी आर डिसाइडेड बाय मेंबर आफ्टर हैविंग ओपन डिस्कशन अमंग देमसेल्फ, तो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, कोई सीक्रेसी तो आप रख ही नहीं सकते, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी। देन है गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट अगर पैसा लगाएगी आपके इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो ऑब्वियसली बात है वो कंट्रोल तो रखेगी ही कि आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, कितना आपकी अर्निंग हो रही है, सब पे ध्यान तो रखेगी। बाय प्रोवाइडिंग वेरियस कंसेशन टू द सोसाइटी गवर्नमेंट कीप्स अ कंट्रोल ओवर देयर वर्क, द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अकाउंट्स ऑडिटिंग एक्सेट्रा, सब कुछ देखते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन भी देख सकती है गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कितनी तरह की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव बीन स्टार्टेड विद डिफरेंट मोटिव, अलग अलग मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। देर आर सम सोसाइटी विच हेल्प द फार्मर्स इन अ नंबर ऑफ वेज, कुछ ऐसी होती है जो फार्मर्स की मदद करती है, कुछ ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर्स की मदद करती है, तो अलग अलग तरह की सोसाइटी होती है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कितनी तरह की सोसाइटीज़ हमारी अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट है हमारी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, किसके बारे में, ये कंज्यूमर, ओके।
द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर स्टार्टेड टू हेल्प लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल. दिस सोसाइटी प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ प्रॉफिट हर्निंग बिजनेसमैन. तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जो वीकर सेक्शन होता है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो उनको बचाने के लिए ये कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है. द मेंबर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द शेप ऑफ शेयर मनी. द मेंबरशिप ऑफ दिस सोसाइटी इज ओपन टू एवरीवन इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, ग्रेड, कलर. कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. सो द सोसाइटीज मेक बल्क परचेज डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल दोज गुड्स टू द मेंबर ऑन रिटेल बेसिस. तो देखो अगर मान के चलो एक इंसान है, अगर वो बल्क में सारी चीज़ें खरीद लेगा तो वो उतनी चीज़ों का क्या करेगा. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, प्रोड्यूसर से बल्क में ले लेती है, जब बल्क मिलेगी तो चीज़ सस्ती मिलेगी और बाद में रिटेल बेसिस पे आगे दे देती है. देखो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर किसी सोसाइटी वगैरह की बात करें, अपार्टमेंट वगैरह, उसमें तो उसमें ऐसे ही होता है कि बल्क में चीज़ ले ली जाती है प्रोड्यूसर से, सस्ते दामों पे पड़ती है, और फिर उसमें क्या करते हैं रीज़नेबल प्राइस पे हम किसको दे देते हैं, वो जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं या फिर मान के चलो कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोवाइड करवा दी जाती है. द कमीशन एंड प्रॉफिट ऑफ मिडल मैन आर एलिमिनेटेड. क्योंकि मिडल मैन नहीं आ रहा, कोई रिटेलर नहीं है बीच में, हम क्या करें डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ले रहे हैं. सो द सोसाइटी चेंज स्मॉल प्रॉफिट टू कवर अप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. तो सिर्फ थोड़ा सा चार्ज करती है, ठीक है, कि ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कर सके. बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करती किसको, कंज्यूमर्स को, सिर्फ अपना थोड़ा सा शेयर रख के कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस निकल पाए और वो क्या किसको सेल कर देती है रिटेल बेस पे कंज्यूमर्स को. तो इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो बहुत महंगी चीज़ नहीं मिलती, दूसरी बात मिडल मैन ख़त्म हो गया है तो क्या होगा कि जो चीज़ें होंगी वो सस्ती मिलेंगी, ठीक है. अब जो सेल होती है उसमें, तो जो सेल हमारी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर थोड़ा बहुत मतलब प्रॉफिट अर्न हुआ है किसमें, जो मेंबर्स हैं उनमें, ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है. और सम ऑफ द सरप्लस स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द मेंबर, मेंबर्स की भलाई के लिए भी स्पेंड किया जाता है. फिर बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की. पहले हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, अब हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. दीज सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर. किसका फ़ायदा करने की सोच रहे हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर का. क्योंकि जो मान के चलो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे, अगर वो आ गए मार्केट में तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल प्रोड्यूसर को तो मौका ही नहीं मिलेगा अपने जो गुड्स है उनको सेल करने का. दिस प्रोड्यूसर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट वेरियस इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फेस मार्केटिंग प्रॉब्लम इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट. प्रॉब्लम होगी क्योंकि छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, पर्सनल सेलिंग नहीं कर सकते, खर्चा ज़्यादा होता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है गुड्स को सेल करने में. दिस सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोड्यूसर. तो उसी चीज़ को कम करने के लिए कौन सी आती है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है. इसको हम इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं. इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सोसाइटीज़ मेन एम टू, तो इनका जो एम होता है वो क्या होता है, टू फाइट बिग प्रोड्यूसर एंड वॉन्ट टू एनहेंस द बार्गेनिंग पावर टू स्मॉल प्रोड्यूसर. तो स्मॉल प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना है और फाइट करने किसके अगेंस्ट, वो निशुम निशुम वाली फाइट नहीं, फाइट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसको भी एक्सप्लॉइट ना कर पाए बिग प्रोड्यूसर. ओके. द सोसाइटीज़ अरेंज वेरियस इनपुट्स सच एज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर एंड ऑल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल. तो मदद करती है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी करवाती है स्मॉल प्रोड्यूसर को, और अगर वो प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो उनको जो सेल करने में उनमें भी हेल्प करती है. द प्रॉफिट्स आर जनरली डिवाइडेड अमंग मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस. जो मतलब प्रोडक्शन में जितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट भी दिया जाता है. द पर्पज ऑफ दिस सोसाइटी इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर. क्योंकि देखो अगर जहाँ बिग प्रोड्यूसर आ जाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो उन स्मॉल प्रोड्यूसर के वेलफेयर के लिए सोसाइटी बनाई जाती है. फिर आते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो देखो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या एम होता है, गुड्स को सेल करना, जब प्रोड्यूसर ने बना लिया उसको सेल करना, किस तरीके से सेल करेंगे, ठीक है, वो वाली बात इसमें करी गई है. सो द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स आर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट. ठीक है, अब प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, हमें इक्विपमेंट भी मिल गए, हम सेल करना भी चाहते हैं, जो बाकी इंडस्ट्री हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो हेल्प भी कर देगी, बट हमें क्या चाहिए अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, सो द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट रेम्यूनरेटिव प्राइजेस.
द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पूल्ड एंड द सोसाइटी अंडरटेक टू सेल दिस प्रोडक्ट्स बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन। जब मिडल मैन को हटा दोगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा कि मिडल मैन जो कमीशन खाता है दोनों तरफ से, इधर से भी रिटेलर से भी और इधर प्रोड्यूसर से भी, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक ग्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। तो जब ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे भी पड़ेगा, प्रोड्यूसर को भी बचेगा और जो प्रोडक्ट है वो सस्ते पे भी पहुँच जाएंगे, किसके पास, कंज्यूमर के पास। द गुड्स आर सोल्ड व्हेन द मार्केट इज़ फेवरेबल, द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स मे नॉट बी एबल टू वेट फॉर लॉन्ग पीरियड बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, सो द सोसाइटी प्रोवाइड्स सम एडवांस मनी टू द मेंबर फॉर हेल्पिंग देम इन मीटिंग देयर अर्जेंट नीड। अब देखो, हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि जब तक गुड्स बनती है और वहाँ जहाँ तक वापस पैसा आता है तो उसमें पूरा टाइम लगता है, गुड्स को सेल होने बनने से लेकर उसके सेल होने से जो मनी आती है उसमें टाइम लगता है। तो ये सोसाइटी क्या करती है, कुछ एडवांस में पैसा दे देती है ताकि जब तक वो पैसा वापस आए तब तक प्रोड्यूसर कुछ नया और स्टार्ट कर सके। द प्रोसीड ऑफ सेल्स आर शेयर अमंग मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो पैसा आएगा उस सेल करने से उसको कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बांट लिया जाएगा। देन है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको पता ही चल रहा होगा किसके वेलफेयर के लिए है, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। द फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स टू जॉइन टेक अप फार्मर्स एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू गेन बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी। हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता था कि फार्मर से जो मिडल मैन होता था वो क्या करता था, सस्ते पर ले लेता था और आगे जाकर महंगे पे, जमींदार वगैरह महंगे पे बेच देते थे। इससे क्या होता था, किसान तो और गरीब हो जाता था और वो बहुत अमीर हो जाते थे और जो कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचती थी वो भी महंगी पहुँचती थी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि बेनिफिट ले सके किसका, लार्ज स्केल फार्मिंग का और हायर प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, तो दिस सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड अदर इक्विपमेंट फॉर यूज़ इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यानी कि अगर हम क्रॉप की चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो उसके लिए हम क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करवाते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, मैन्योर्स खाद वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि क्या कर सके, अच्छे से अच्छी क्रॉप्स कर सके, ग्रोथ हो सके हमारी क्रॉप्स में, और ताकि इससे क्या होगा, जो हमारा सेल है वो भी बहुत अच्छी होगी, और जो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन लार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी किसानों को होगा ही। दिस सोसाइटी ऑल्सो हेल्प इन कॉन्सोलिडेशन ऑफ अन इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड इन टू वेरिएबल इकोनॉमिक होल्डिंग। तो अगर मान के चलो पहले किसानों के पास पैसा नहीं है तो वो छोटी ज़मीन पर ट्राई करेंगे, बट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इनको इकोनॉमिक होल्डिंग में मदद करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया कवर करके क्या कर सके, क्रॉप्स को उगा सके, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर लार्ज स्केल पे उगाएंगे तो इकोनॉमिक होल्डिंग होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम जब कोई चीज़ स्मॉल स्केल पे उगाते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, और लार्ज स्केल पे कमाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है और बल्क में उगाने से हमें सस्ता पड़ता है। देन आता था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्रेडिट से क्लियर हो रहा है जो उधार दे सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्रेडिट। द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द मेंबर एट रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, तो रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो जमींदार वगैरह से जो किसान होते थे अगर लोन लेते थे बहुत महंगा पड़ता था उन्हें, है ना, तो क्योंकि वो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा लगाते थे रेट। अब क्या हो गया, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिसको उधार चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, ताकि क्या हो सके, जो वो अपना लोन वगैरह वो इजीली ले सके और चुका भी सके। ठीक है, वो फंसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में, पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ओके, सो द मेंबर्स नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर नीड्स, द सोसाइटी एम टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर। मनी लेंडर्स पता है ना, जो उधार देते हैं, हु चार्ज क्या बोलते हैं, हाई रेट्स, अगर इसका वर्ड लिखा हुआ है एक्सॉर्बिटेड, इसका मतलब है हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, द सोसाइटी प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर आउट ऑफ द अमाउंट्स कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और हाई रेट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो कैपिटल उधार पे दे सके, ठीक है, जिनको उनकी नीड है, एट लोअर रेट। अब हमारा एक लास्ट इसमें टाइप रह गया, वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कौन सा रह गया हमारा लास्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू हेल्प मेंबर टू ओन देयर हाउसेज
दिस सोसाइटी हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट। कहने का मतलब यह है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, वो मदद करती है ताकि लोग खुद अपने घर बना सके, ठीक है, यानी कि हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाती है एट रीजनेबल प्राइजेस पे। दिस सोसाइटीज आइदर कंस्ट्रक्ट हाउसेज और प्रोवाइड प्लॉट टू द मेम्बर्स एट रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट पर या तो प्लॉट आपको अवेलेबल करवा देगी ताकि आप घर बना सकें, या फिर हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे देती है आपको, ठीक है। द मेम्बर्स आर अलाउड टू मेक पेमेंट इन ईजी इंस्टॉलमेंट, और कहते हैं धीरे 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 आप इसको इंस्टॉलमेंट पर दे देना। आपने पढ़ा होता है ना कई जगह पर लिखा होता है, या बहुत सारी ऐसी सोसाइटी होती है जो कहती है कि ना आप बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते रहना और हम आपके लिए घर बना के दे देंगे, ठीक है ना। दिस सोसाइटीज में ऑल्सो हेल्प मेम्बर इन ऑप्टेनिंग लोन्स फॉर परचेज ऑफ प्लॉट्स फ्लैट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर किसी को लोन चाहिए अपने घर वगैरह खरीदने के लिए तो उनमें भी ये सोसाइटी हेल्प कर देती है। किससे मदद लेने में, बैंक्स वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको लोन ले रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प कर देती है। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हमने किसके बारे में पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, कैसे बनती है, कौन सा एक्ट इसमें कौन सा एक्ट जो है इसको रेगुलेट करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।